थोड़ी सी बातें कहूं, आप लोग थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी सुनने को राजी नहीं है। कुछ बच्चों को संभालें और अपने आप को भी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की। तीन दिनों का यह सत्संग कार्यक्रम समापन की बेला है। अच्छी अच्छी बातें सीख लिए हम लोग, इन बातों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, जीवन परिवर्तन के लिए आवश्यक है। मैंने कहा था कि कुछ बातें कहूँ आप लोगों से, बड़ी सरल सरल बातें अपने जीवन के संबंध में हमें जान लेनी चाहिए। जीवन हम कैसा चाहते हैं, मेरी बातों को आप सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे और ध्यान दे करके, नहीं तो बातें क्या कही जा रही हैं वो अपने आप उड़ जाएंगी। फिर से पूछ रहा हूँ, हम लोग कैसा जीवन चाहते हैं, ये बात समझ में आ रही है ना मेरा प्रश्न? हम लोग कैसा जीवन चाहते हैं, शायद ये बात समझ में ना आ रही तो मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, कैसा मोबाइल चाहते हैं आप लोग, कैसा मोबाइल चाहते हैं, कैसी गाड़ी चाहते हैं, कैसा मकान चाहते हैं, अब तो कुछ समझ में आता होगा है ना? कैसा जीवन साथी चाहते हैं, अब तो खूब पता चल गया होगा, सही है? अब प्रश्न फिर से मेरा वही है, हम कैसा जीवन चाहते हैं। और जितने प्रश्न मैंने किए हैं ना, जितने प्रश्न, उन सारे प्रश्नों का एक उत्तर है, एक ही उत्तर है, बताऊं? वह उत्तर है हम मन चाहा। कैसा चाहते हैं? मन चाहा मोबाइल, मन चाहे, मन चाही गाड़ी, मन चाहा मकान, मन चाहा जीवन साथी, सही है? वैसा ही मन चाहा जीवन चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसे हम पसंद करते हैं, जिस जीवन को जीने में आनंद आता है ना? तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आप मन पसंद का जीवन चाहते हैं तो इसे आपको बनाना पड़ेगा, ये ध्यान दीजिए, उस जीवन को बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने मकान का उदाहरण दिया कि मन पसंद का मकान, तो हम लोग करते क्या है, जनरली होता क्या है, एक जमीन खरीदते हैं या अपनी ही जमीन हो तो मन पसंद का मकान बनाने के पहले हम मन पसंद का नक्शा बनाते हैं, सही है ना? तो नक्शा पहले कहाँ बनाते हैं, नक्शा पहले हम अपने मन में बनाते हैं। हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो आवश्यकता है वो कितनी है, कितने कमरे चाहिए, कितने बड़े साइज के कमरे चाहिए और कहाँ चाहिए कमरे, कहाँ टॉयलेट बाथ चाहिए, कहाँ किचन चाहिए, कहाँ स्टोर चाहिए, कहाँ डाइनिंग रूम चाहिए और कहाँ पर बैठक रूम चाहिए, स्टडी रूम चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसा हो, कहाँ गार्डन चाहिए, कैसा चाहिए, ये सब थोड़ा सा मन मन में नक्शा बनाते हैं। पर्याप्त पैसा होने पर क्या करते हैं, हम ऐसा ऐसा बनाएंगे, फिर क्या करते हैं दूसरा काम, मन के नक्शे को लेकर के हम किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसको अपने मन की बात बताते हैं और आर्किटेक्ट का भी अनुभव लेकर के एक सुंदर सा नक्शा हमने कहा कि ये बना दीजिए हमारे लिए, इतने कमरे चाहिए, यहाँ पर ऐसा ऐसा कुछ कर बता दीजिए, और सचमुच एक सुंदर सा नक्शा तैयार हो गया, उसका हमने ब्लूप्रिंट निकाला और फिर उसे हम किसी बिल्डर को देते हैं, ऐसा मकान चाहिए, ऐसा मकान चाहिए। अब क्या होगा, 5000 स्क्वायर फीट का यदि हमारा कोई मकान है या 2000 का है, ये नक्शा में है,
तो बन करके भी उतने ही होगा, उतना ही होगा। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? आप मन पसंद के मकान में जब प्रवेश करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने सपना देखा था इसका। उस घर में रहेंगे जिस घर का आपने सपना देखा था, जैसा कमरा चाहते थे वैसा, जहां खिड़की चाहते थे, जहां दरवाजा चाहते वैसा, जहां किचन चाहते थे, जहां प्लेटफार्म चाहते थे, क्या चाहते थे, वो सारी चीजें आपके मन पसंद की है, ऐसे मकान में रहना आपको आनंद आएगा। लेकिन आपके पास पैसा तो है, और आपने क्या किया, किसी को दे दिए, किसी मिस्त्री को, ले भाई एक मकान बना देना, या फिर आपने किसी मकान को खरीद लिया, तो हुआ क्या? जब आप वो आपके आपने नक्शा नहीं बनाया उसका, आपने कुछ सपना नहीं देखा उसका, और जैसा था वैसा आप रख लिए, क्या होगा जब प्रवेश करेंगे? तब प्रवेश करेंगे तो आपको क्या लगेगा, पता नहीं दरवाजे कैसे बनाए हैं, जब अंदर जाओ तो सिर झुका के जाओ, खिड़की ऐसी बनी है कि ठीक से हवा भी नहीं आती, प्रकाश भी नहीं आते हैं, और किचन कैसे है देखो, ठीक से पानी प्रवाहित नहीं होता है, बाथरूम का पानी ठीक से नहीं निकलता है, मतलब आप उस मकान में रहने के लिए विवश हो जाएंगे जिसे आप पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना, विवश हो जाएंगे। आप पसंद नहीं कर रहे फिर भी रहेंगे उसमें। ऐसे ही यदि आपने मन पसंद का जीवन का निर्माण नहीं किया है तो उस जीवन को जीने के लिए आप विवश हो जाएंगे जिस जीवन को आप पसंद नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसा जीवन जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसीलिए इसीलिए होता क्या है, जनरली लोग जीना भी नहीं चाहते हैं। कई लोग कहते हैं क्या बताऊं, मैं तो जी करके उब गया हूं, ये परिवार वालों से उब गया हूं, इनसे उब गया हूं, वो कर लिया, वो अपने से उब गया हूं। और कुछ लोग तो सचमुच उब जाते हैं और क्या करते हैं पता है, वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। वक्त नहीं आया अभी समाप्त होने का, क्या करते हैं, चाहे वो जहर खा करके, चाहे फांसी का फंदा लगा करके, या ट्रेन के नीचे जा करके कुछ तो कर लेते हैं। आए दिन सुनते कि नहीं सुनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उनको क्या लगा, जीवन को जीने की अपेक्षा इसको समाप्त करना बेहतर है। सोचो तो सही, आप इतना बढ़िया जीवन मिला है, क्या इसको समाप्त करने वो होगा, वो तो अपने आप होने वाला है, मौत तो अपने आप आने वाली है, आप क्यों उसके लिए परेशान है। मैं बताना चाहता हूं, जो अपने आप आती है उसे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आपने मेहनत करके जो जीवन बनाया है ना, फिर इसी जीवन में आपको क्या लगेगा, रोज रोज आपको महसूस होगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। लोगों से मिलेंगे आपको अच्छा लगेगा, लोग आपसे मिल करके हमको अच्छा अनुभव होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे एक गार्डन हो, ये माइक में बार बार आवाज लीकेज हो रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग वहां बैठ करके, बार बार दिख रहे हैं। एक गार्डन हो, उजड़ा हुआ हो, जहां गंदगी हो, फूल ना हो, सुगंधी ना हो, हरियाली ना हो, वहां आप जाकर के बैठना चाहेंगे, नहीं बैठना चाहेंगे। किस पार्क में जाना पसंद करते हैं, जहां हरियाली हो, फूलों की सुगंधी हो, है ना, सफाई हो, चिड़ियों की चहचहाट हो, देखने में रहने में आनंद आए, उस गार्डन में जाना चाहेंगे। साहब इसके लिए जानते हैं क्या करना होता है, आपको ये जीवन भी आपका उपवन की तरह है, ये किसी गार्डन की तरह है, किसी पार्क की तरह है, आपको स्वयं माली का कमांड संभालना है, स्वयं को माली बनना है। तो क्या होगा,
जानते हैं, माली किसी उजड़े हुए बाग को फिर से उसको उसमें हरियाली लाना चाहे, फिर से उसमें से फूलों की सुगंधी बहाना चाहे तो क्या करेगा? यदि हम लोगों का जीवन अपनी गलतियों से अनजाने में यदि ऐसा लग रहा है जैसे उजड़ा हुआ है, आप अपने जीवन से हताश और निराश हैं, आप इस जीवन में हरियाली ला सकते हैं, इस जीवन में सुगंधी ला सकते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहला काम यदि करना होता है वो है उसकी सफाई। ये ध्यान दीजिए, उसकी सफाई करनी होती है, उस बाग की सफाई करनी होती है। फिर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए उसमें गुड़ाई, जुताई, सिंचाई, ये सब करके उसकी उर्वर भूमि उसको बना करके फिर उसमें हरियाली घास लगाएंगे, सुंदर सुंदर फूलों को कहीं से लाएंगे, पौधे खरीद करके लगाएंगे, रोपेंगे, सींचेंगे। कुछ ही दिनों के बाद उस बाग में हरियाली छा जाएगी, वहां से सुगंधि आने लग जाएगी, और जिस बाग में लोग जाना पसंद नहीं करते थे उसी बाग में, उसी पार्क में लोग जाना पसंद करेंगे, रहना पसंद करेंगे। मतलब लोग हमसे हमारे जीवन की स्थिति को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके हमारे पास बैठना नहीं चाहते हैं, हमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। लेकिन चूंकि हमने परिवर्तित कर दिया अपने जीवन को, तो लोग बैठना चाहेंगे, साथ रहना पसंद करेंगे, उनको लगेगा उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनसे अधिक से अधिक वार्ता करनी चाहिए, ये महसूस होने लगेगा चूंकि आपने अपने जीवन में सुगंधि को ले आया है। मैंने क्या कहा आपको? क्या करना होगा? सफाई। दूसरी बात मैंने कही उर्वरा भूमि। फिर फूलों को ला करके रोपना होगा। मतलब क्या है? आपको, हम सबको अपने जीवन की सफाई करनी है। क्या करनी है? सफाई करनी है। किसकी सफाई करनी? गंदगी की। गंदगी की सफाई का क्या मतलब है? हमारे मन में, हमारे भीतर गंदगी आ जाती है। कैसे कैसी गंदगी आती थोड़ा समझ लें आप, कैसी कैसी गंदगी आती है, कैसे स्रोत हैं, कैसे हमारे भीतर में कचड़े आ जाते हैं। क्या होता है जनरली, किसी ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, हमारा नुकसान किया है, हमारा अपमान किया है, हमें कटु बोला है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में दुर्भावना हो जाती है ना? उसके प्रति बदले का भाव जगता है, द्वेष जगता है, उसके प्रति नफरत का भाव जगता है। ये एक बोझ है, ये ध्यान दो, ये एक बोझ है। दूसरा बोझ क्या है जिसकी सफाई आवश्यक है? अपने द्वारा दूसरों का दिल दुखा होता है जाने अनजाने में। ये महसूस करते होंगे, कई बार हमने ऐसा कुछ किया है जिससे सामने वाले का दिल दुख गया है, उन्हें कष्ट हुआ है और महसूस हुआ है ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने क्या किया। ये जो भीतर में गिल्ट है ना, ये जो अंतर ग्लानी है ना, यह भी हमारे मन के एक बोझ है, इसकी भी सफाई चाहिए। और तीसरी बात, दूसरों ने हमें दुख नहीं दिया, हमारे द्वारा दूसरों को दुख नहीं मिला, लेकिन हुआ क्या है, हम अपने आप में कुछ ऐसी गलत काम, ऐसा गलत कर लिए हैं, दूसरे लोग तो नहीं जानते हैं, केवल मैं जानता हूं और वो मुझे तकलीफ देती है। ये ध्यान दीजिए, क्या होता है, वो मुझे तकलीफ देती है। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, लोग भले नहीं जानते हैं, ऐसा होता है, लोग नहीं जानते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम लोगों के बीच बता सकते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम कुछ लोगों के बीच बता सकते हैं। मतलब कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, सब के बीच बता दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ होता है जो अंतर मन में, जो हम कुछ लोगों को, खास लोगों को बता पाते हैं, खास लोगों को। और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जिन्हें हम किसी से नहीं बता सकते,
और जिसे हम किसी से नहीं बता पा रहे हैं वो हमें ज्यादा तकलीफ दे रही है। ये बात स्वीकारते हैं हम? ये भीतर में कुछ ऐसे बार बार पिंच करता है, इसकी भी सफाई चाहिए। कैसे? मैं बताना चाहता हूं, यदि किसी ने हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है तो जो एक काम और वही अंतिम काम होगा उनके प्रति बिना शर्त क्षमा का भाव। आप ध्यान दीजिए, आपको क्षमा करने की जरूरत है क्योंकि उसके प्रति आपने नफरत पाला है, घृणा और द्वेष पाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नफरत, द्वेष, घृणा, क्रोध, ये सब मानसिक जहर है, मानसिक जहर। और जहर को भीतर रख करके कभी भी आप अमन चैन की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, मन पसंद के जीवन नहीं जी सकते हैं। ये सफाई चाहिए। तो आपको क्या करना है? उनको दिल से क्षमा करना है। मेरा निवेदन क्या है? दिल से क्षमा करने की जरूरत है। या तो उनके सामने जाकर के, यदि यह संभावना नहीं है तो फोन करके, पत्र भेज करके, या फिर अकेले में आप कहिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ये ध्यान दीजिए, आप कह डालिए इस चीज को, आपका बोझ हल्का होगा। समझ रहे हैं? बोझ हल्का होगा। किसी की गलती को लेकर के क्यों दोष देश पाल रहे हैं आप? मुझे बताइए, आप क्या हो जाएगा? उसने गलती की और मैं अपने सिर पर पत्थर लाद के चलूं, अंदर में दिल में बोझा लाद करके चलूं? सबसे बड़ा बोझा लाद के हम लोग जो चलते हैं ना, वो जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा बोझ लाद करके हम लोग जो चलते हैं वह है मन मुटाव का। उसने मुझे ऐसा कहा था 2 साल पहले, 2 दिन पहले, 2 महीने पहले, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, जब तक उसका बदला नहीं ले लूंगा मैं चैन का जीवन नहीं जीऊंगा। साहब, आप अपने लिए ना गड्ढा खोद रहे हैं, आप जहर पी रहे हैं ऐसा करके। आप हल्का हो जाइए, क्या क्षमा कर दीजिए उनको, ठीक, उनका विषय है, आप हल्का हो जाइए। मैं ख्याल आया, नेल्सन मंडेला का नाम सुने होंगे। देखिए, कुछ लोगों को उदाहरण दिया जा सकता है, आए दिन ये सब करते हैं, मैं यहीं बैठे लोगों को कुछ का उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन मैं इस विस्तार नहीं देना चाहता हूं। नेल्सन मंडेला भी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ा था उसको, कि हुआ क्या कि जब वो राष्ट्रपति बन गए, पहले वो 26 साल तक जेल में रहे, 26 साल तक, और एक छोटी सी कोठरी में हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम उनसे मिलने गए थे, उस कोठरी को भी देखने की उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में। और जब नेल्सन मंडेला से उन्होंने हाथ मिलाया तो लिखा क्या है, ऐसा लगा जैसे किसी देव दूत से हाथ मिला रहा हूं, किसी फरिश्ते से हाथ मिला रहा हूं। कमाल के वो इंसान थे, गांधी जी को आदर्श मानते थे नेल्सन मंडेला, मैंने उनके बारे में पढ़ा है। उसने क्या लिखा है, क्या उनकी बात आई है संस्मरण में, सुनाना चाहता हूं कि एक बार जब वो राष्ट्रपति बन गए, जब वहां से रिहा हुए तो राष्ट्रपति बनाया गया दक्षिण अफ्रीका का, तो हुआ क्या, एक दिन अपने सिक्योरिटी गार्ड जो उसके अंगरक्षक थे उसको लेकर के किसी रेस्टोरेंट में भोजन करने गए। भोजन का ऑर्डर दिया गया और भोजन के इंतजार में बैठे हुए थे। इतने में नेल्सन मंडेला ने क्या देखा कि सामने के कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा है, वह भी भोजन का इंतजार कर रहा है। उनको कहा, अपनी सिक्योरिटी गार्ड अंगरक्षक से कहा, उस आदमी को बुला लाओ और उनको कहो कि हमारे साथ में भोजन करे। गया, अंगरक्षक ने कहा, आपको बुला रहे हैं राष्ट्रपति जी, आप हमारे साथ में भोजन करेंगे। वो व्यक्ति आया, बैठा साथ में कुर्सी पर, टेबल में भोजन आया, भोजन शुरू किया, उसका हाथ कांपने लगा। जो भोजन करने लगा ना, वो जिस व्यक्ति को बुलाया गया था, हाथ कांपने लगा, सिर झुका के बैठा था, बहुत मुश्किल से पूरा शरीर एक प्रकार से कांप रहा था। भोजन किया, सिर झुकाया, अभिवादन किया, बाहर चला गया। अंगरक्षक ने कहा नेल्सन मंडेला से, लगता है वह व्यक्ति बीमार था, उसके हाथ कांप रहे थे और पूरा शरीर भी कांप रहा था, जैसे कोई बीमार हो। नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा, जब मैं जेल में था उस समय ये जेलर थे। क्या कहा?
उस समय वह व्यक्ति जेलर था और मुझे जब सताए जाते मैं जब मुझे जब लोग सताते थे या सताए वो खुद सताते थे जब वो सताते थे दूसरों द्वारा या खुद तो मुझे इतना कष्ट होता था और कई बार तो मुझे धूप में कठोर काम दिया जाता। जब मैं पानी मांगता था पीने के लिए प्यास लगती थी मुझे और पानी मांगता था पीने के लिए तो वो व्यक्ति पानी नहीं देता था मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। क्या कहा लिखा है मेरे ऊपर वह पेशाब कर देता था। आज सामने उसको बैठे देखा तो उसको मैंने भोजन में बुला लिया। शायद उनको ये लगता रहा होगा कि वो जिस प्रकार व्यवहार उसने किया है मैं भी उनके साथ वही व्यवहार करूंगा। लेकिन मैं जानता हूं कि किसी के साथ द्वेष और नफरत को पालना अपने जीवन में विकास का रोकना है। अपने जीवन में प्रेम और मैत्री का ही व्यवहार करके हम अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। जब इस संदर्भ को पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूं। सोचो जरा इस चीज को, जो आदमी पानी मांग रहा हो उस पर वो पेशाब कर रहा हो, उस व्यक्ति को अपने पास बुला करके भोजन के लिए बैठा रहा हो, बदले का कोई भाव ना हो, कैसा दिल रहा होगा? ऐसा दिल नहीं बनाना चाहिए हम लोगों को। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं ना, सुख और शांति चाहते हैं ना। मैंने कहा था ना, सुख और शांति की योग्यता विकसित करो, वो अपने आप नहीं आने वाली है, नहीं आती है वो, उस योग्य बनना पड़ता है, वो प्रकट होता है फिर जीवन में आता है। वो क्षमा सफाई क्लियरिटी चाहिए। दूसरी बात क्या है, एक चीज और ख्याल आया। एक आदमी था, उसने क्या कहा कि मोबाइल को जब चलाया तो हैंग कर गया, ठीक से काम ही नहीं करता था, देर से काम होता था। एक जानकार से पूछा कि भाई साहब ये मोबाइल कैसे है, काम ही नहीं कर रहा है, बार बार हैंग कर जाता है और स्पीड इतना कम है कि मैं तो सब परेशान हो रहा हूं। उसने कहा देखा सब जो अनावश्यक जो स्टोर किए हो ना इसको डिलीट कर दो। अनावश्यक चीजें, बहुत सारी चीजें जो इसमें लोड पड़ रहा है ना, लोडेड है, इसको खाली कर दो, बहुत सारी चीजों को खत्म कर दो। उसने कहा बढ़िया। फिर मोबाइल लिया और वो अनावश्यक चीजों को डिलीट करने लग गया और जब डिलीट कर दिया तो क्या हुआ, मोबाइल चलने नहीं लग गया, दौड़ने लग गया। समझ गया, मोबाइल फिर चलने नहीं लग गया, दौड़ने लग गया। उस व्यक्ति ने लिखा जब मोबाइल के इस कारनामे को देखा तो मैंने कहा फिर भीतर झांका, मैं अंतर यात्रा किया अपने मन की ओर झांका और मैंने प्रयास किया कि वो गलत चीजें जो मैंने स्टोर करके रखी थी ना वो सब को डिलीट करने लग गया। क्या बोझ लाद के रखा। मैंने कहा ना अभी 2 साल पहले किसी ने कुछ कहा यहां तक के, अच्छे एक बात मैं पूछ रहा हूं, दूसरों की जो हमारे साथ गलत व्यवहार हुआ है उसको कितने लंबे समय तक हम लोग याद रख सकते हैं? पूछ रहा हूं आप लोगों से, कितने लंबे समय तक याद रखने की क्षमता हम में है? कितने लंबे समय तक के बताऊं मैं? कुछ लोगों से कहा, कबीर साहब जी ने कहा है कि जो भीतर में करक करेजे गड़ रही वचन वृक्ष की फांस, निक्षाय निक्षे नहीं रही सुकाहू घास। वो जो शब्द के बाण आते हैं ना भीतर में धंस जाते हैं कलेजे में, निकलते नहीं है। लोगों से जब वो लोगों को बताते लगते हैं उसने मेरे साथ वैसा किया वैसा किया, अच्छा उनको पता भी नहीं रहता इनको बता चुका हूं और फिर आके बताने लगता है। उनसे कहा जाता है अरे भैया क्या उसको याद करते हो बार बार, 5 साल पहले उसने कहा था, भूल जाओ ना उन सब बातों को। लोग क्या कहते हैं, कैसे भूल जाऊंगा, मैं उसको जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह संकल्प लेते हैं। अब सोचो तो सही, इस बोझ को आप ढोना क्यों चाहते हैं? मैं क्या निवेदन कर रहा हूं, क्षमा करके छुट्टी पा जाओ, हल्का हो जाओ, सफाई कर लो, सफाई कर लो। मैं एक उदाहरण और देता हूं, कभी कभी गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। ये थोड़ा और आगे बढ़ के कह रहा हूं मैं, समझ गए ना, गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग लो। क्यों क्यों मैं कह रहा हूं, क्यों? यदि क्षमा मांगने से हमारे रिश्तों में फिर से मधुरता आ जाती है, फिर से रिश्ते में मिठास आ जाती है,
तो मैं समझता हूं क्षमा मांगना गलत नहीं है। सही है? अब आप कहेंगे मेरी तो गलती ही नहीं है, मैं क्यों क्षमा मांगू। अरे नहीं भाई, क्षमा मांगने का यह अर्थ नहीं होता है कि मैं गलत वह सही। इसका अर्थ क्या है? मुझ में उनसे रिश्ते निभाने की काबिलियत अधिक है। मैं चाहता हूं क्षमा मांग करके रिश्ते को फिर से निभाऊं, प्रेम की पुनर्स्थापना करूं, फिर से विश्वास को पनपाऊं, फिर से हरियाली आए, फिर से संबंध मधुर हो, इसलिए मैंने क्षमा मांगी है। और एक गलत नहीं है, मांग लो, गलती भले नहीं है, क्या गलत हो जाएगी इसमें। पत्नी से क्षमा मांग लो, बच्चे से क्षमा मांग लो, पिता माता पिता से क्षमा मांग लो, बड़ों से छोटों से। शर्म मत करो, मैं अपने बेटे से कैसे क्षमा मांगू, पत्नी से कैसे क्षमा मांगू। साहब ये खरीद करके नहीं आते, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये खरीद करके नहीं आते। वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति है जिसमें भावनात्मक जीव है। कल सुन रहे थे, जितना प्रिय भोजन है उतना प्रिय प्रशंसा है, जितना प्रिय भोजन है उतना ही प्रिय क्या है, एक प्रशंसा उन्होंने कही। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही स्वामी जी ने, प्रशंसा है और एक आदर सम्मान है, उतना ही प्रिय है। हम सबको चाहिए, तो जब किसी के मन में थोड़ा बहुत ऐठन है उसको रिलैक्स बना दो, कह दो सॉरी, क्या गड़बड़ हो गया। सारी कहने से, क्षमा मांगने से यदि वो रिलैक्स हो जाए तो कह दो ना उनसे, और फिर से आप फ्लो में आ जाएं। मैंने क्या कहा, उदाहरण देना चाहता हूं कैसे बिना क्षमा, बिना गलती के भी क्षमा कैसे मांगे। ये उदाहरण मैंने विगत वर्षों में भी दिया है। एक साधक था, गृहस्थ था, अपने दामाद को 3 लाख रुपये दे दिए वो व्यापार के लिए। मांगा उन्होंने, मुझे कुछ पैसे चाहिए, 3 लाख रुपये उधार दे दिए ताकि वो व्यापार चले और वापस लौटा दे। ऐसा संजोग वो जैसे रुपये मिले व्यापार शुरू किया और उनका व्यापार बढ़िया चल पड़ा, लेकिन अब पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा है। शायद वो समझा होगा ससुर ही तो है, काहे को पैसा लौटाने का, ऐसा होता होगा। वो लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कई बार मांगा नहीं मिला, कई साल हो गए, 10 साल हो गए पैसा नहीं लौटा, 15 साल हो गए पैसा नहीं लौटा। अब क्या हुआ, वो साधक था ना, वो गृहस्थ साधक था, अब लोगों के बीच देखो ना, उनको पैसा दिया पैसा नहीं लौटाता है, मेरे साथ क्या अन्याय हुआ, वो हुआ वो हुआ, अब बुराई आलोचना में लगा। जब उस ध्यान साधना में बैठता था उसके मन में वो गूंजने लगा, वो तो परेशान हुआ, पैसा भी दिया और मेरी साधना भी चौपट हो रही है। एक संत के पास जाकर कहा, भगवान मैं बहुत परेशान हूं, बताए सारी हिस्ट्री, ये सब घटना घटी है और मेरी साधना डगमगा गई है, मैं तो साधना कर ही नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं। सारी बातों को सुनकर के संत ने कहा, एक काम करो, शहर में बाजार चले जाओ, मिठाइयां ढेर सारी ले लो, फल ढेर सारे ले लो और जाकर के अपने दामाद से क्षमा मांग लो ये सब रख करके। उसने कहा, वाह, मैंने कौन सी गलती की है, मैंने कौन सी गलती की है, मैं तो पैसा दिया हूं। उन्होंने कहा कि आप ये काम करो, जाओ और ये काम करो, यदि हल्का होना चाहते हो तो। उन्होंने कहा, मैं चला तो जाऊं लेकिन आखिर मैंने गलती क्या की है जिससे मैं जाकर क्षमा मांगूं। उन्होंने क्या किया, जब भी कोई झगड़ा और झंझट होता है ना, तो ऐसा नहीं कि 100% सबका एक तरफा हो जाए और आप जीरो में हो, उनका 99 होगा तो आपका 1 होगा। उन्होंने कहा, भगवान आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की है। तब उसने कहा, संत ने क्या कहा, कहा आपने क्या किया है, जगह जगह जा करके उनकी आलोचना शुरू कर दी है, उनकी बुराई शुरू कर दी है। बुराई कर दी, आलोचना, नफरत, उनके बारे में तमाम ऐसा प्रदूषण फैलाने लग गए। ये गलती है और वो आपके दिमाग में है, वो आपको साधना में सफल नहीं होने दे रहा है। ये बात समझ में आई उनकी, सचमुच ये तो मैंने गलती की है। और उन्होंने क्या किया, गया बाजार, ढेर सारा फल लिया, मिठाइयां ली,
रात के लगभग 9 बज गए थे और 15 साल बाद अपनी बेटी के घर गया, गाड़ी लेकर गया, खट 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 दरवाजे पर दस्तक दिया। घर के लोग भोजन के लिए बैठने वाले थे, डाइनिंग टेबल चारों तरफ कुर्सियां, बैठने वाले थे उनके, मतलब बेटी दामाद और बच्चे थे उनके, वो सब बैठने वाले थे। जब दरवाजे से आवाज आई तो फिर उनका जो नाती था वो दौड़ कर गया, दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला तो आश्चर्यचकित नाना जी, वो चिल्ला पड़ा जोर से, अरे नाना जी, ऐसे करते। 15 साल बाद वो घर आया था, सोचो नाना जी जैसे सुनते हैं तो उसकी जो मम्मी, उन्होंने कहा पिताजी आ गए, उन्होंने कहा ससुर जी आ गए, और वो तो सुना नहीं, जैसे दरवाजा खुला खाट से अंदर आ गया, और जितना वो फल और मिठाई लेकर लाया था डाइनिंग टेबल पर रख दिया, और रखते ही क्या कहता है, बेटा मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। इतनी बात सुन करके उसके दामाद तो रोने लग गया, रोने लग गया, और रोते रोते वो परेशान हो गया, उनके पैर को पकड़ लिया, उठाया, सीने से लगाया, दोनों रोते रहे। अलग होता है, अब बारी आई बिटिया की। बेटी भी 15 साल बाद पिता से मिला हुआ था, वे भी सीने से लग जाती है और लिपट करके रोने लगती है। और जब पिता और बेटी दोनों रो रहे थे, दामाद जाता है कमरे में, पैसा गिनता है, पूरे के पूरे पैसे गिन करके ला करके अपने ससुर के सामने रखता है, पिताजी ये आप पैसे रख लीजिए। क्या कहा ससुर ने, क्या कहा, बेटा आज मैं इस कौड़ी को लेने नहीं आया हूँ, इस कौड़ी के लिए नहीं आया हूँ, जिसके लिए मैं आया वह मुझे मिल गया, वह मुझे मिल गया। दामाद ने क्या कहा, पिताजी यदि आप इसे नहीं लेंगे ना तो मैं जीवन भर जलता रहूंगा, आपको लेना ही पड़ेगा मेरे लिए। ले तो लिया, लेकिन उन पैसों को उन्हीं बच्चों में फिर से बांट दिया, फिर से बांट दिया। इतना वहां सोचो दृश्य कैसा रहा होगा, कैसा रहा होगा, सभी लोग परिवार के जितने सदस्य थे सब लोग क्या किए, गाड़ी में बैठे और फिर वो अपना घर ले गए, साधक अपना घर ले गए। 15 साल बाद बेटी अपने माँ से मिलने जा रही है, भाभी से मिलने जा रही है, और ये उसका दामाद जो है वो अपने सास से मिलने जा रहा था, बच्चे अपने नानी से मिलने जा रहा था, और लोगों से। जब उस घर में करीब 11-12 बज रहे थे रात में, जब पहुंचते हैं माहौल समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, वो स्थिति कैसी हुई होगी। एक दूसरे को देख करके रोते थे बहुत कुछ, साहब पूरा जो मवाद भरा था ना भीतर में, मवाद, वो सारा मवाद आंखों के माध्यम से आंसू बन करके निकल गए, और जो एक दूसरे के प्रति बैर और नफरत का भाव जगा था फिर से प्रेम के फूल खिल गए, विश्वास की हरियाली छा गई। मैं क्या कह रहा हूं आपको, गलती नहीं होने पर भी क्षमा मांग करके रिश्ते को वापस लौटा लो, ये घाटे का सौदा नहीं है, और ये आपके जीवन को अप करेगा, ऊंचा ऊंचाई को उठाएगा। दूसरी बात क्या है, हमसे गलती हो गई हो ये तो क्षमा मांगने की बात हो गई, ठीक है, क्षमा करने की बात हो गई, दूसरों को क्षमा करने की बात हो गई। तो मैंने कहा ना, अपने से भी गलती हो गई तो क्षमा मांग लो, मांग लो। दूसरों ने हमारे साथ गलत किया है, क्षमा कर दो। अपने से गलती हो गई हो क्षमा मांग लो। तीसरी बात क्या है, कोई नहीं जानता है और मुझे पता है, और ये होता है गिल्ट भरा रहता है, ये अंतर्ग्लानी, क्या बताऊं इसके लिए कितने मनोवैज्ञानिकों के पास, मनोचिकित्सकों के पास में इसके लिए पत्र आते हैं। मैंने अभी भी मेरे पास वो अखबार की कटिंग रखी हुई है। एक बहू ने लिखा, मेरी सास मेरे तरफ आ रही थी, मुझे सहयोग करने आ रही थी, लेकिन मैं तो नहीं समझ रही थी सहयोग करने के लिए, और मैंने क्या किया, वो फर्श को साफ कर रही थी, कपड़े से पोंछ रही थी, उसी कपड़े को उठा करके मार दी। बाद में पता चला वो मेरे लिए सहयोग के लिए आ रही थी। इस बात को याद करके मैं भीतर से इतना दुखी हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों किया। एक लड़की ने क्या पत्र लिखा,
मैं परीक्षा दे रही थी, इतिहास का पेपर दे रही थी, नकल करते पकड़ी चली, पकड़ गई सबके बीच में, और वो मेरे को इतना भीतर से, मैं ग्लानी में हूँ, अंतर्ग्लानी में हूँ, अपराध बोध से ग्रसित हूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसे कई उदाहरण दिए थे, मैं सारे उदाहरण नहीं सुनाऊंगा। फिर चिकित्सक ने क्या उसका उत्तर दिया, सबका एक उत्तर दिया, बीती ताही बिसारी दे आगे की भूल जाओ।